नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जहांगीर के कितने पुत्र थे, ये पहला प्रश्न है। तो देखिए, जहांगीर के 5 पुत्र थे, जैसे कि अकबर के 4 पुत्र थे, सॉरी अकबर करें बाबर के 4 पुत्र थे। उसी तरीके से अगर हम जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के 5 पुत्र थे। हालांकि इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हमें एक भी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। खुसरो परवेज, खुर्रम शाहयार और जहांदार इसके पुत्र थे जहांगीर के, ठीक है। खुर्रम जिस जो कि बाद में राजा बना शाहजहां के नाम से। तो जहांगीर के कितने पुत्र थे, 5 पुत्र थे। संस्कृत कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी। तो देखिए, जगन्नाथ जग और यहाँ पे जहांगीर, ठीक है, इस तरह से एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। यहाँ पे ज से स्टार्ट है, यहाँ पे भी ज से स्टार्ट है। तो इस तरह से जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि किसने दी थी, जहांगीर ने, इतना याद हो जाएगा। शाहजहां ने महावत खां को किस उपाधि से नवाजा। देखिए, शाहजहां के समय में एक महावत खां था, तो महावत खां को खानखाना से नवाजा गया, ठीक है। देखिए, याद करने का तरीका, देखिए महावत किसको कहते हैं, जो हाथी का सवारी करवाता है उसी को महावत कहते हैं, यानी हाथी चलाता है उसको महावत कहते हैं। तो देखिए, हाथी चलाता है उसको खाना की ज़्यादा ज़रूरत होती है, हाथी तो ज़्यादा ही खाता ना। तो इस तरह से महावत खां को खाना खाना दिया गया उपाधि किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा, ठीक है। या इसको इस तरह से भी याद करेंगे कि जहाँ जाएगा वहाँ महावत बोलेगा कि हम मेरे हाथी को खाना दो, खाना दो, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जहाँ जाएगा यानी कि शाहजहाँ, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, या अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। शाहजहाँ महावत खां को जो उपाधि मिला था खाना का, वो किसने दिया था, तो शाहजहाँ ने दिया था। ताजमहल का निर्माण किस कलाकार ने करा था। तो देखिए, ताजमहल का आर्किटेक्ट जो किया था वो उस्ताद ईसा ने किया था, लेकिन अगर निर्माण की बात करें दोनों में थोड़ा अंतर है, एक है कि ड्रा किया और एक है कि उसको बनाया, ठीक है। तो ताजमहल का निर्माण किसने किया था, उस्ताद अहमद लाहौरी। याद करने का तरीका, लाहौरी यानी कि जो ताजमहल का निर्माण कर रहा होगा तो उसको बार बार सीमेंट और ये पत्थर वगैरह चाहिए, तो वो लेबर को क्या बोलेगा कि ये चीज़ लाओ, ये चीज़ लाओ, इस तरह से लाहौरी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जिनका नाम क्या था, जहाँ आरा ने करवाया था। तो देखिए, जो जामा मस्जिद है दिल्ली में, वो किसने निर्माण कराया, शाहजहाँ ने कराया। तो बेटी क्या होती है ना कि अपने बाप का नकल करने के लिए क्या किया कि आगरे में, ठीक है, आगरे में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, नाम क्या था, जहाँ आरा। मोहम्मद फ़कीर और मीर हाकिम किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। तो देखिए, जहाँ जाइएगा शाहजहाँ, याद करना है कि शाहजहाँ के दरबार में थे, तो जहाँ जाइएगा, जहाँ से यहाँ पे, शाहजहाँ से जहाँ भी जाइएगा फ़कीर और हाकिम आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से मोहम्मद फ़कीर और हाकिम किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, शाहजहाँ के, ठीक है। या आप कह सकते हैं शहर जाइएगा तो आपको फ़कीर और हाकिम दिख जाएंगे, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ जाइएगा मतलब कि जहांगीर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो शाह मतलब कि शहर जाइएगा, शहर जाइएगा तो आपको फ़कीर और हाकिम मिल जाएंगे, ठीक है। गांव में तो कम ही मिलते हैं, लेकिन शहर में आपको भीख मांगते हुए फ़कीर या मतलब कि हाकिम के बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे शहर जाइएगा। तो इस तरह से कि मोहम्मद फ़कीर और मीर हाकिम किसके दरबार में चित्रकार थे, शाहजहाँ के। पैलागरा किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B3 के कमी से होता है, जिसको हम नियासिन भी कहते हैं B3 को, या निकोटीन एसिड भी कहते हैं। देखिए, याद करने का तरीका, पैलागरा यहाँ पे ल इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये 3 जैसा सेंस दे रहा है ना, ल को 3 जैसा सेंस दे रहा, तो B3 होता है, ये 3 तो होता नहीं है, तो B3 ही होगा, ठीक है। सिल्वर फिश, देखिए नाम एक लग रहा होगा कि फिश जैसा, लेकिन ये फिश है नहीं। अक्सर आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन फिश नहीं है, सिल्वर फिश जैसे ही रहेगा आप टिक करेंगे कि सिल्वर फिश तो फिश है, लेकिन ये फिश नहीं है, ये एक प्रकार का इंसेक्ट है जो कि सिल्वर लाइट मतलब कि दिखता है, ठीक है, ग्रे ब्लू कलर जैसी मछली जैसी दिखती है, तो इस वजह से इसको एक कीड़ा है, ठीक है। तो कीड़ा को हम सिल्वर फिश कहते हैं, क्योंकि सिल्वर जो मछली होती है ना, वैसा ही कुछ दिखता है, इस वजह से। किस नोबेल गैस का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो रेडॉन का उपयोग किया जाता है। देखिए, नोबेल गैस का कौन से नोबेल गैस, तो रेडॉन है। देखिए, कैंसर क्या है, एक बहुत बड़ा बीमारी है, ठीक है, बहुत बड़ा बीमारी है, उसको इलाज जल्दी हो नहीं पाता है।
तो जो डॉन होता है मतलब कि जिसके पास पैसा वगैरह होता है वो तो करा ही लेता है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि कैंसर का उपचार करने में कौन सा जो नोबल गैस है उसका उपयोग किया जाता है, डॉन वाला, ठीक है, क्योंकि डॉन तो कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह से सर्वप्रथम ग्लोबल विंड समिट कहाँ हुआ था, जर्मनी के 2018 में हेमबर्ग में हुआ था। देखिए याद करने का तरीका, हेमबर्ग हवा जैसा कुछ, से हवा हम कह सकते हैं, ठीक है, हवा से हवा, तो यानी कि हवा वाला समिट, विंड मतलब हवा ही होता है, हवा वाला समिट कहाँ हो गया, हेमबर्ग में हुआ। कहाँ पे है, जर्मनी में 2018 में। आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया कौन सा स्थान पे है विंड एनर्जी का उपयोग करने में, तो इंडिया चौथे स्थान पे है, ठीक है। पहला कौन स्थान है, चाइना का, ठीक है, चाइना का। देखिए चाइना आपको पता है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखा है, तो यानी कि विंड से वो बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम करता है। और दूसरे कौन है, यूएसए है, तीसरा जर्मनी है जहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था, चौथा इंडिया है। तो इस तरह से आज आपको तकरीबन 10 क्वेश्चन आपको मैंने कराए, आशा करते हैं चीज़ें याद हुई होगी। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।